नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जॉनसन्स एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस एल्गोरिदम को यूज़ करके हम सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कर दीजिए और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। उसके लिए आपको बेल भी दबानी पड़ेगी, बेल का एक आइकन दिया होगा सब्सक्राइब के बगल में, वो भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट रह जाए आपके पास तो। और मेरे और भी वीडियोस हैं, मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 पार्ट दे रखे थे, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ मशीन 1 था, मशीन 2 था। अब क्या है कि हमको ये टाइम दे रखा है, मशीन 1 पे इस पार्ट को बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, मशीन 2 पे इस पार्ट को बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमको इसको सीक्वेंस करना है कि जिससे हमारा टोटल सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाए और टाइम कम से कम लगे हमारा टोटल। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जॉनसन एल्गोरिदम कहता है कि आप पहले तो क्या करिए, जैसे 6 पार्ट हैं तो 6 ब्लैंक बना लीजिए, ऐसे 6 ब्लैंक बना लीजिए। अभी मत ये देखिए कि ये भरा हुआ है, अभी खाली ब्लैंक देखिए, ब्लैंक बना लीजिए 6 करस्पॉन्डिंग टू ए बी सी डी ई एफ के लिए। 6 6 पार्ट हैं तो 6 ब्लैंक, ज़्यादा होते तो उतने ब्लैंक बना लेते हैं जितने पार्ट बनाने हमें। ठीक है, अब क्या करिए, पहले मशीन 1 में जाइए, देखिए कि सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे जैसे 2 है, 2 है, इसको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अब ए को दिमाग में रखिए और इसको पूरे को काट दीजिए, मतलब ये 5 भी कट जाएगा, पूरा लाइन ऐसे मार दीजिए। ए को सबसे आपको लेफ्ट में रखना है, यहाँ पे आप डाल दीजिए ए को। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, ए डाल दिया आपने, 2 कट गया, 5 कट गया। ठीक है, अब आइए मशीन 2 में, यहाँ पे बचा 7 12 3 9 14। अब इसमें से मिनिमम देखिए क्या रहा, 3। अब इसको पूरे को काट दीजिए, डी डी को उठाइए। अब इसको उठाने पे आपको सबसे राइट में रखना है, सबसे दाहिनी तरफ यहाँ डाल दीजिए इसको, डी को। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 पे आइए, ये कट गया था, ये कट गया था, बचे क्या, 9 10 4 और 11। सबसे छोटा है 4, करस्पॉन्डिंग ई, सबसे लेफ्ट साइड में रखना है आपको, बाईं तरफ सबसे। ये तो भर गया था, अभी बचा क्या है, सबसे बाईं तरफ, ये यहाँ डाल दीजिए ई। ठीक है, अब मशीन 2 में जाइए। अब हमारे पास क्या क्या कट चुका है, एक कट गया ए ई और डी, अब बचा बी सी एफ, यानी कि 7 12 और 14 बचा। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 7 है, तो इसको पूरे को काट दीजिए। बी बचा, बी को सबसे राइट साइड में रखना है आपको, बी को डाल दिया आपने यहाँ पे सबसे राइट में। ठीक है, क्योंकि ये तो भर गया था ये पिछले स्टेप में, तो यहाँ पड़ जाएगा बी। अब बचे हमारे पास सी और एफ, फिर से मशीन 1 पे आइए, ऐसे जाना है आपको, 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके। ठीक है, फिर से 1 पे आ गए, मतलब पहले हमने भर दिया, ए भर दिया, फिर डी भर दिया, फिर ई भर दिया, फिर एफ बी भर दिया, अब हमारे पास सी और एफ बचे हैं, मशीन 1 पे आए हम, तो 8 और 11। अब मिनिमम 8 है तो सी उठाइए, सबसे बाईं तरफ रख दीजिए। अब ए और ई वाली जगह तो भर चुकी थी, अब सबसे बाईं तरफ यहाँ पे यही वाले पड़ेगा, सबसे बाईं तरफ। ठीक है, तो यही पड़ेगा, यहाँ पे सी भर दीजिए। अब बचा क्या आपके पास, एफ, उसको उठा के यहाँ भर दीजिए, जो एक ब्लैंक बचेगी, तो आंसर हो जाएगा ए ई सी एफ बी डी। इस तरह से आपको सीक्वेंस करना है। तो ये था जॉनसन एल्गोरिदम। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। और आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर, बाय बाय। Whatever I see, I'll remember.